जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल वी एम टेक इन्फो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय स्टेट बैंक की ओर से एक अपडेट आई है उनके ग्राहकों के लिए, इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आपका अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में है और आप ATM से पैसों की निकासी करते हैं तो आपके लिए खबर देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आप अगर अपना ATM कार्ड लेके किसी भी भारतीय स्टेट बैंक के ATM या अन्य किसी ATM में 10,000 रुपये तक का अगर ट्रांजेक्शन या 10,000 से ज़्यादा के रुपए निकालने के लिए आप ATM में जाएंगे तो आपको अपना मोबाइल साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब SBI ने नया नियम लागू कर दिया है जो कि कल से 18 सितंबर से ही लागू होने वाला है, जिसकी नोटिफिकेशन सभी ग्राहकों को SMS के द्वारा भेज दी गई है, जिसका स्क्रीन शॉट आप साइट में देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट जिसके अंदर बताया गया है कि 10,000 और 10,000 से ऊपर अगर आप निकासी करेंगे तो आपके मोबाइल पे बैंक के द्वारा एक OTP भेजी जाएगी और उस OTP को आप जब वहाँ वेरीफाई करेंगे तो आपके 10,000 रुपये ट्रांजेक्शन होंगे, या अन्यथा आप 10,000 तक का विड्रॉल नहीं कर सके। 10,000 से कम अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपका पैसा बिना OTP के निकल जाएगा, और 10,000 या 10,000 से ज़्यादा आप लेन देन करेंगे तो वहाँ पर OTP आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है कि आपका जो ATM है उसका डाटा कहीं चोरी हो जाता है या फिर कुछ ऐसे धोखेबाज होते हैं जो ऑनलाइन तरीके से धोखेबाजी करते हैं, उनसे बचने के लिए ये फैसिलिटी अपने ग्राहकों के लिए लागू की है। दोस्तों जो भी फैसिलिटी आती है उसके साथ कहीं ना कहीं एक सुविधा के साथ दुविधा भी होते हैं। अब दोस्तों आपको एक दुविधा ये होने वाले हैं कि आपका ATM कार्ड आप अगर किसी आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कहीं भी दे के रखा है और उसको अगर वहाँ पर 10,000 या 10,000 से ज़्यादा की लेन देन करने की ज़रूरत है तो दोस्तों ऐसे समय में वो OTP आएगी और OTP आपके मोबाइल पे भेजी जाएगी, और उस समय अगर आपका किसी कारणवश मोबाइल बंद होगा तो वो वहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये दोस्तों इस तरीके की दुविधा होगी जो कि अपना ATM किसी और को पास दे के रखते हैं। ऐसे ज़्यादातर केस होते हैं दोस्तों कि परिवार में किसी का भी ATM एक होता है और जो कोई कहीं बाहर रहता है तो उसको दे दिया जाता है और वो वहाँ से उस खाते में उनके पैसे जमा करवाता है और लेन देन करता है। तो इस तरीके की दुविधा होने वाली है, और साथ ही दोस्तों इस तरीके की एक सुविधा भी है कि आपके सूचना के बिना वहाँ पर आपके पैसे कोई विड्रॉल नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए फैसिलिटी भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।